हम आपको OEK8127 केटल में से मेल होल्डर चेंज करने का तरीका दिखा रहे हैं। मेल होल्डर चेंज करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये बॉटम कवर को इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हम ये दोनों स्क्रू यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा मेल होल्डर निकल गया है। अब हम यहाँ पे नया मेल होल्डर फिट करेंगे। मेल होल्डर को इस तरह से रखकर यहाँ पे दोनों स्क्रू फिट करेंगे। अब हम बॉटम कवर को इस तरह रखकर इस तरह प्रेस करके फिट करेंगे। अब हमारा ये मेल होल्डर चेंज हो गया है। और हमारी ये केटल पूरी तरह से रेडी हो गई है।